नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निक एंड सॉल्यूशन में। और मैं आपका साथी बीके शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर के एक नया टॉपिक। ये टॉपिक इसलिए खास है क्योंकि आलू किसानों को बहुत भारी क्षति से गुजरना पड़ रहा है। अभी पिछले हफ्ते बारिश हुई है, बारिश ने पर्यावरण में काफ़ी नमी पैदा कर दी और कुछ पाले का भी असर हुआ, जिससे झुलसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस कदर झुलसा बढ़ा है जिससे कि 50 से 60% तक फसल अभी हमारी ख़राब हो गई है। परंतु मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन भी आए कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज बताओ जिससे कम से कम 10 से 12 दिन हमारी फसल सुरक्षित रहे। तो मैं 10 से 12 दिन के लिए फसल को सुरक्षित बनाने के लिए, झुलसा के प्रकोप को कुछ कम करने के लिए एक टेक्निकल आपको आज बताने जा रहा हूं। तो आज का भी टॉपिक यही है कि हम झुलसा को 10 से 12 दिन कैसे रोकें जिससे कि हमारा आलू पूरा हो जाए। कम से कम 10 से 12 दिन रुक गया तो आलू हमारा 90 दिन पर पहुँच जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। किसान साथियों, मैं आप आज ये भी बताने जा रहा हूँ कि 10 से 12 दिन में हमारा आलू पूरा हो जाए ऐसा कोई टेक्निकल हो। मैंने काफ़ी अध्ययन किया, मैं निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि एक ऐसा टेक्निकल है जो कि 10 से 12 दिन में आपके आलू को पूरा कर देगा। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, फसल बहुत बुरी तरह से प्रभाव है पछेते झुलसा का। इसके निदान के लिए हम आपको बताएंगे बायर क्रॉप साइंस का इन्फिनिटो। इन्फिनिटो नाम का प्रोडक्ट है, इसमें फ्लूपिकोलाइट और प्रोपामोकार्प कॉम्बिनेशन होता है जो कि ऐसी फॉर्म में है। किसान मित्रों, इन्फिनिटो की 400 से 500 ml मात्रा को प्रति एकड़ में इस्तेमाल करने से 100% कम से कम 10 से 12 दिन तक झुलसा की रोकथाम हो जाएगी। किसान मित्रों, अगर आप स्प्रे कराएंगे तो इसमें देरी ना करें। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके साथ सिलिकॉन वाला चिपको या कोई स्टिकर जिसमें सिलिकॉन हो वो मिला करके स्प्रे कराएं। किसान मित्रों, अब हम बात करेंगे आलू में फुलाव के लिए PGR की। तो किसान मित्रों, मैंने काफ़ी अध्ययन किया जिसमें मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि एक प्रोडक्ट आता है सुमोटोमो कंपनी का, टबोली के नाम से। टबोली में पैक्लोब्यूट्राजोल 40% SC टेक्निकल होता है। वैसे पैक्लोब्यूट्राजोल कई कंपनियां बनाती हैं, परंतु 40% वाला टेक्निकल केवल टबोली में है जो कि सुमोटोमो कंपनी बनाती है। किसान मित्रों, यह ध्यान देने वाली बात है कि इसकी मात्रा मात्र 4 से 5 ml प्रति 15 लीटर टैंक के हिसाब से स्प्रे की जाती है, अथवा 35 से 40 ml प्रति एकड़ इसकी डोज रखते हैं और यह मात्र 10 दिन में अपना काम कर देता है। किसान मित्रों, एक और प्रोडक्ट सिजेंटा कंपनी का आता है जिसका कल्टार नाम है। इसमें भी पैक्लोब्यूट्राजोल होता है जो कि 23% होता है, जिसका कि मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। मित्रों, इसकी मात्रा 6 से 8 ml पर 15 लीटर टैंक रखते हैं, अथवा एक एकड़ में केवल 50 से 60 ml ही मात्रा रखते हैं। किसान मित्रों, इस प्रोडक्ट को और दूसरा जो टबोली बताया था उसको भी इस्तेमाल करने के समय कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। किसान मित्रों, ये PGR हैं, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट पौधे की पूरी एनर्जी को कंद में डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो खेत में पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है, और इन PGR को किसी फंगीसाइड से अलग ही घोलकर इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों के, कोई स्टिकर जिसमें सिलिकॉन बेस हो उसका साथ में इस्तेमाल करें। आज के वीडियो में इतना ही। किसान साथियों, फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। मित्रों, अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटी बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। किसान साथियों,
अगर आप ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो चाहते हैं और कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान आप नहीं सूझ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं निश्चित ही अगले वीडियो में उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।